नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी का आवाहन पूजन अर्चन किया जाता है, चाहे वह भूमि पूजन हो, वाहन पूजन हो, गृह प्रवेश की विवाह या कोई भी विशेष पूजा पाठ ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि शादी विवाह का पहला निमंत्रण भी गणेश जी को ही दिया जाता है। इसीलिए कई बार निमंत्रण पत्र में भी सबसे ऊपर एक मंत्र लिखा होता है, विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करिए काज। इस मंत्र का अर्थ शायद ही कोई ऐसा होगा जो न जानता हो। सभी देवी देवताओं में एकमात्र श्री गणेश जी ही ऐसे भगवान हैं जिन्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त है। अधिकांश लोग नए सामान का पूजन किए बिना उसका उपयोग करना प्रारंभ नहीं करते हैं। यह परंपरा आज की नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है। यदि किसी नए सामान की खरीदारी करके घर लाते हैं तो उस पर रोली के स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद दिया जलाकर व पूजन करने के बाद ही उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। पूजा में जिस तरह श्री गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, ठीक उसी तरह स्वास्तिक को मंगल कार्य शुरू करने से पहले बनाया जाता है। विवाह का निमंत्रण पत्र, व्यापारियों के बही खाते, दरवाजों की शाखाओं तथा पूजा की थाली में अंकित स्वास्तिक भगवान श्री गणेश का ही प्रतीक चिन्ह है। किसी भी बड़े अनुष्ठान या हवन से पहले स्वास्तिक चिन्ह निश्चित रूप से बनाया जाता है। यह चिन्ह न केवल शुभता का प्रतीक है बल्कि इसे बनाने वाली जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्वास्तिक के चिन्ह को भगवान श्री गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। इस स्वास्तिक की चार भुजाओं को गणेश जी की चार भुजाओं का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक के चार बिंदुओं को पुरुषार्थ और धर्म का अर्थ काम और मोक्ष के प्रतीक है। भुजाओं के समीप दोनों रेखाएं गणेश जी की दोनों पत्नियां अर्थात रिद्धि और सिद्धि के प्रतीक है और उनके आगे की दोनों रेखाएं उनके पुत्र दोनों पुत्र योग एवं क्षेम का प्रतीक है। इस प्रकार स्वास्तिक भगवान गणेश के पूरे परिवार का प्रतीक माना जाता है। इस वीडियो में ध्यान एवं पूजन से हमारे जीवन तथा कार्यों में आने वाले विघ्न बाधाएं दूर होती है और हमें रिद्धि सिद्धि मिलती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।